फातिमा, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अवेयरनेस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, हु हैज इन्वेंटेड कंप्यूटर, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर केम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर इज अ लैटिन वर्ड कंप्यूट। A computer is an electronic device that accepts data and instruction as input, processes data according to the given instruction and produce information as output. The word computer came from the word compute, yani jo computer words aaya compute se, which means to calculate. Computer is a latin word compute. Computer yani ek latin word se जिसको कहा जाता है कंप्यूट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा इन इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है डाटा या इंस्ट्रक्शन एज इनपुट और उसी डाटा को प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। और इसे यानी प्रोसेस होकर हमें क्या मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिलता है एज इनपुट आउटपुट की तरह। Who was invented computer? Charles Babbage invented computer in 1822. Charles Babbage is the father of modern computer. Charles Babbage ने ईजाद किया था computer in 1822 में, यानी Charles Babbage को हम father of modern computer कहा जाता है। The first mechanical computer was developed by Charles Babbage. It is called analytical engine. जो first mechanical computer है जिसको डेवलप किया, जिसको डिज़ाइन किया चार्ल्स बेबेज ने, उस मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। ए कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट टेक इनपुट रॉ डाटा फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस दिस डाटा एंड गिविंग द रिजल्ट आउटपुट। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट ले डाटा लेता है फ्रॉम यूजर से एंड प्रोसेस डाटा एंड गिव द रिजल्ट। प्रोसेस यानी डाटा को प्रोसेस करते हैं एंड गिव रिजल्ट। अब इसके बाद हमें क्या मिल जाते हैं, रिजल्ट मिल जाता है। यानी ये सब क्या है, यानी इसका जो फंक्शंस यानी थ्री फंक्शंस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग है, एक इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट इज अ रॉ इंफॉर्मेशन। Whenever we enter data into a machine from input device, it is a combinations of letters, numbers, and image, etc. Input यानी एक raw information है जिसको हम enter करता है through machines या as input device, यानी input device यानी from input device से हम यानी raw data को क्या करते हैं, input देते हैं। यानी ये डाटा कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और इमेज भी हो सकते हैं। प्रोसेस द ऑपरेशन ऑफ डाटा एज गिविन इंस्ट्रक्शंस। इट इज़ टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्रोसेस यानी प्रोसेस क्या होता है, यानी जो डाटा रहा डाटा को यानी ऑपरेशन होके यानी इंस्ट्रक्शंस को यानी इंटरनली यानी ये क्या हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं, उसको हम क्या कहा जाते हैं, प्रोसेस। आउटपुट यानी आउटपुट को हम रिजल्ट भी कहा जाता है, समटाइम्स इट इज कॉल्ड रिजल्ट। आउटपुट इज द प्रोसेसिंग डाटा गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट को हम क्या कहा जाता है, या प्रोसेसिंग डाटा होते हैं जो कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग हमें रिजल्ट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, उसको आउटपुट कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डाटा लिया, अब इसके बाद ये प्रोसेस होते हैं, अब इसके बाद इंफॉर्मेशन बन जाती है, यानी इसको हम प्रोसेसिंग डाटा कहा जाता है। पॉइंट टू रिव्यू, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो फादर है कौन है, वो चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज को हम मॉडर्न कंप्यूटर का फादर क्यों बोलते हैं, यानी इसने क्या किया था, कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। कंप्यूटर परफॉर्म ट्रांसफर डाटा इन नैनो सेकंड एंड पिको सेकंड।
A computer is an digital device that process data and convert it into information. यानी computer क्या है? यानी एक electronic device है जो data को process करते हैं और उसी data को convert करते हैं information में. उसको हम क्या कहा जाता है? Electronic device कहा जाता है. यानी इसको हम क्या कहा जाता है? Computer कहा जाता है.